तो गाइस आप लोग भी HDR लुक के साथ अपने फोटो को कुछ इस टाइप से करना चाहते हो, फुल HD हाई क्वालिटी में स्मूदिंग एंड जरा सा भी ब्लैक ब्लैक नहीं है आप लोग के फेस पे, साइड साइड जो आ जाता है तो गाइस मेरे फेस पे देख सको जरा सा भी ब्लैक ब्लैक नहीं है, तो गाइस फुल HD हाई क्वालिटी में फोटो एडिटिंग हुई है। क्या आप लोग भी ऐसी एडिटिंग करना चाहते हो तो गाइस आप लोग ने सही वीडियो पे क्लिक किया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ओरिजिनल फोटो इसी की दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को, यहाँ पे भी देख सकते हो ओरिजिनल फोटो शो करके दिखा रहा हूँ कैसे शो हो रही है। तो गाइस आप लोग भी अपनी फोटो को कुछ ओरिजिनल वाली फोटो को वैसी कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे आप लोग को सिखाया है। तो गाइस आज की वीडियो पूरी वॉच करना, एक ही गुजारिश है यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट करो गाइस क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, आप लोग से एक ही गुजारिश करता हूँ वीडियो को एंड तक देख लिया करो, आप लोगों को सब कुछ बना दूंगा स्टेप बाय स्टेप एंड मैं वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोग को सब कुछ सिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो इस टाइप की एडिटिंग मैंने सिखाई है बैकग्राउंड के अंदर एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से फेस के ऊपर। तो गाइस आप लोग करना चाहते हो तो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, आप लोग से एक ही गुजारिश है एंड वीडियो को एंड तक देखते देखते आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा एंड आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड यहाँ पे आप लोग उससे काफ़ी अच्छी तरीके से फोटो एडिटिंग सीख सकते हो। तो गाइज अभी आप लोग पिक्सार्ट ऐप में फोटो को ऐड कर लेना एंड गाइज अभी आप लोग को सीधे से वही स्टेप फॉलो करना होगा जो यहाँ पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो गाइज अभी आप लोग पिक्सार्ट ऐप में फोटो को ऐड कर चुके होंगे एंड गाइज यहाँ पे ओपन हो चुकी होगी। मेरी एक ही गुजारिश है गाइज आप लोग थोड़ा वीडियो में सपोर्ट करोगे तो गाइज आप लोग को रोज़ अच्छा कंटेंट ला के दूंगा। तो गाइज इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना एंड इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना एंड HDR वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद गाइज अभी आप लोग को NSPS को कम कर देना होगा हल्का एंड राइट टिक कर देना होगा। राइट टिक करने के बाद बिफोर एंड यहाँ पे आफ्टर देख सकते हो HDR का एक लुक आ चुका है। इसके बाद गाइज अभी आप लोग को फिर से टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे आप लोग को एडजस्टमेंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप लोग को शो करके दिखा दिए देख सकते हो ये वाला है। इसके बाद क्लैरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना एंड क्लैरिटी को प्लस कर लेना कुछ इस टाइप से। आप लोग की फोटो में जितनी भी डिटेल ऐड कर सकते हो ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कर लो। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। उसके बाद फोटो को ड्रॉ के ऑप्शन पे आके फोटो को सेव कर लेना। तो गाइस आप लोग को इतना पार्ट अप्लाई कर लेना होगा अपनी फोटो के अंदर एंड यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ ड्रॉ के ऑप्शन पे आके सेव इमेज। तो गाइस यहाँ पे मैंने सेव इमेज को कर लिया सेव एंड इसके बाद गाइस अभी मैं यहाँ पे आप लोग को शेयर टू कर लेता हूँ यहीं से। तो गाइस मोर पे क्लिक करके आप लोग को शेयर टू कर लेता हूँ ऑटोमेटिक स्केचबुक में। तो गाइस यहीं पे आप लोग को मेन ट्रिक की पता चलने वाली क्या मैं रखने वाला हूँ। तो गाइस आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना होगा ध्यान से यहाँ पे कैसे यहाँ पे मैंने करी फोटो एडिटिंग। तो गाइस ऑटोमेटिक स्केचबुक में मैंने फोटो को ऐड कर लिया, मेन ट्रिक आने वाली फेस की स्मूदिंग जो साइड आप लोग का जो साइड साइड ब्लैक जो आ जाता है उसके लिए। तो गाइस आप लोग को आज की वीडियो में कुछ ब्लैक ब्लैक नहीं आएगा एंड अभी आप लोग ध्यान से देखोगे तो गाइस आप लोग की फोटो एडिटिंग हो जाएगी। उसके बाद गाइस आप लोग को टूल वाले ऑप्शन पे आना है एंड ट्रेडिशनल वाला एक ऑप्शन दिख रहा है तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये एरो करके मैं दिखा रहा हूँ एंड इसके बाद यहाँ पे सॉफ्ट एयर ब्रश मैंने यूज़ किया है तो गाइस ये वाला ब्रश यूज़ करना। इसके बाद गाइस अभी आप लोग को सेटिंग इसकी बता दूँ तो सेटिंग है 11 यहाँ पे एंड 5। तो गाइस उसके बाद स्मूदित करा है, स्मूदित करने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हो तीनों पॉइंट को इतना रख लेना है। इतना रखने के बाद गाइस अभी आप लोग को फोटो में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखने वाली है। तो गाइस आप देख सकते हो बैक आना अपनी फोटो में स्मूदिंग स्टार्ट कर देना कुछ इस टाइप से एंड मैं यहाँ पे रियल तरीके से स्मूदिंग सिखा रहा हूँ देख सकते हो गाइस आप लोग लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। क्या आप लोग भी ऐसे एडिटिंग करना चाहते हो तो गाइस आप लोग करना चाहते हो तो गाइस आप लोग ने सही वीडियो पे क्लिक किया है एंड आप लोग को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग को कोई भी यूट्यूब पे नहीं दिखाता होगा एंड नहीं बताता होगा। तो गाइस मेरी वीडियो पूरी वॉच करो एंड लास्ट तक देखते रहो, आप लोग को सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा कैसे यहाँ पे मैंने एडिटिंग करी है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो स्मूदिंग तो पूरी तरीके से हो रही है एंड यहाँ पे अभी आप लोग को आगे का स्टेप बहुत ही इजी है तो गाइस उसको ध्यान से देखना वो, क्योंकि आप लोग को लाइटरूम ऐप में पता चलेगा। तो गाइस अभी देख सकते हो फोटो को मैंने सेव कर लिया एंड आप लोग को भी सेव कर लेना होगा जैसे यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ। तो गाइस सेव करने के बाद अभी आप देख सकते हो फोटो कैसी थी अभी कैसी होगी। तो गाइस अभी आप लोग को लाइटरूम ऐप में फोटो को ऐड कर लेना होगा एंड ऐड करने के बाद ये आपको पीसेट मिलने वाला है। तो गाइस आप जो आज की वीडियो में पीसेट डाउनलोड कर लेना। तो गाइस यहाँ पे इसको मैं सबको टिक कर लेता हूँ क्रॉप को छोड़ के एंड बैक अपनी फोटो पे आऊँगा एंड बैक अपनी फोटो पे आने के बाद पेज सेटिंग कर दूंगा कुछ स्टेप से। तो गाइस देख सकते हो बिफोर एंड यहाँ पे आफ्टर मेरे फेस पे काफ़ी अच्छी तरीके से एडिटिंग भी हो गई एंड यहाँ पे फेस की स्मूदिंग भी काफ़ी परफेक्ट तरीके से हो गई। तो गाइस यही स्टेप मैंने अपनी
फोटो में भी करके दिखाई है। तो गाइस आप लोग भी ध्यान से देख के कुछ इस टाइप से रीडिंग कर सकते हो, अगर वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करोगे तो। गाइस अगर स्किप करते हो तो गाइस आप लोग को कोई भी नहीं बता पाएगा वीडियो एडिटिंग कैसे होती है एंड फोटो एडिटिंग कैसे होती है। तो गाइस देख सकते हो फोटो में काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था। तो गाइस हम लोग ने कुछ इस टाइप से अभी और भी रीडिंग कर चुके हैं। तो गाइस बिफोर एंड यहाँ पे आफ्टर ऐसे रीडिंग करके इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे अभी आप लोग इसका यहाँ पे वीडियो भी वायरल करवा सकते हो वीडियो बना के। तो गाइस देख सकते हो फोटो में काफ़ी अच्छी तरीके से सेटिंग मैंने आप लोग को सिखा दी। तो आई होप सबको वीडियो अच्छी